डिवोटीज फॉर टुडे सेशन ऑफ गीता मिता। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हमारे आज के श्रीमद् भागवतम के अध्ययन में। कार्यक्रम की शुरुआत भगवत नाम उच्चारण के साथ, तो मेरे साथ दोहराइए, ओ नमो भगवते वासुदेवाय, ओ नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवते नैष्ठिके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितम् तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदा श्रीवासादि गौर भक्त बिंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे। सो एक बार फिर से सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम स्कंद एक अध्याय 11 श्लोक संख्या 39 39। तम मे नीरे अबला मूढ़ा स्त्रैणं चानुवर्तनम् त्रैणं चानुव्रतम् रहः अप्रमान्विदो भर्तुर् ईश्वरं मतयो यथा। तं मेनिरे बला मूढ़ा स्त्रैणं चानुव्रतम् रहः अप्रमाणविदो भर्तुर ईश्वरम मतयो यथा। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सुनीता माता जी रीडिंग करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनुवाद तथा तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा। शिला प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। वे सरल तथा सुकोमल स्त्रियां सचमुच ही सोच बैठी कि उनके प्रिय पति भगवान श्री कृष्ण उनसे आकर्षित हैं और उनके वशीभूत हैं। वे अपने पति की महिमाओं से उसी तरह अनजान थी जिस प्रकार नास्तिक लोग परम नियंता के रूप में भगवान से अनजान रहते हैं। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण की दिव्य पत्नियां तक भगवान की अगाध महिमा को पूर्णतया जानती ना थी। यह अज्ञान सांसारिक नहीं है, क्योंकि भगवान तथा उनके नित्य पार्षदों के मध्य भावों के आदान प्रदान में भगवान की अंतरंगा शक्ति का कुछ न कुछ हाथ रहता है। भगवान पांच प्रकार से दिव्य संबंधों अर्थात ईश्वर, स्वामी, मित्र, पुत्र, प्रेमी
भाव का आदान प्रदान करते हैं और इन प्रत्येक लीलाओं में वे पूर्णतया अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया द्वारा क्रीड़ा करते हैं। वे गोपों से या अर्जुन जैसे मित्रों के साथ समान स्तर के सखा की भांति क्रीड़ा करते हैं। माता यशोदा के सामने वे सचमुच के पुत्र के रूप में क्रीड़ा करते हैं। गोपियों के समक्ष गोपियों के समक्ष वे असली प्रेमी गोपियों के समक्ष वे असली प्रेमी के रूप में और द्वारका की रानियों के समक्ष साक्षात पति रूप में क्रीड़ा करते हैं। भगवान के ऐसे भक्त कभी भी भगवान को परमेश्वर के रूप में नहीं सोचते, अपितु सामान्य मित्र, प्रिय पुत्र या प्रेमी या पति के रूप में सोचते हैं, जो हृदय और आत्मा को बहुत प्रिय है। भगवान तथा उनके दिव्य भक्तों के मध्य यही संबंध होता है, जो चिन्मय आकाश में भगवान के पार्षद के रूप में कार्य करते हैं, जहाँ अनेक वैकुंठ लोक स्थित हैं। जब भगवान अवतरित होते हैं, तो वे दिव्य जगत की पूरी तस्वीर दिखाने के लिए अपने पार्षदों सहित अवतरित होते हैं, जहाँ भगवान की सृष्टि के ऊपर किसी प्रकार का प्रभुत्व जताने का कोई नाम भी नहीं लेता और जहाँ भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम तथा भक्ति का ही प्राधान्य रहता है। ऐसे भगवत भक्त मुक्त आत्मा होते हैं। वे बहिरंगा शक्ति के प्रभाव का निषेध करने वाली तटस्था तथा अंतरंगा शक्ति की पूर्ण अभिव्यक्ति होते हैं। भगवान की अंतरंगा शक्ति ने भगवान कृष्ण की पत्नियों को भगवान की अगाध महिमाओं को भुलवा दिया, जिससे आदान प्रदान में कोई त्रुटि न रह जाए और वे यह मान बैठी कि उन भगवान उनके वश में रहने वाले पति तथा सदैव एकांत स्थान में उनके पीछे पीछे जाने वाले पति हैं। दूसरे शब्दों में भगवान के निजी पार्षद तक भगवान को भली भांति नहीं जान पाते। अतएव शोधार्थी लेखक तथा मानसिक तर्कबाज भगवान की दिव्य महिमाओं के विषय में भला क्या जान सकेंगे? मानसिक तर्कबाज विभिन्न मतों के विषय में अपने विचार प्रकट करते हैं कि वे सृष्टि के कारण हैं, सृष्टि के अवयव स्वरूप हैं या सृष्टि के भौतिक तथा सक्षम कारण हैं, किंतु यह तो भगवान विषयक केवल अधूरा ज्ञान है। वास्तव में सामान्य पुरुष की ही तरह अनजान रहते हैं। वास्तव में वे सामान्य पुरुष की ही तरह अनजान रहते हैं। भगवान को केवल भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। चूंकि अपनी पत्नियों के साथ भगवान के सारे आचरण शुद्ध शुद्ध दिव्य प्रेम तथा भक्ति पर आधारित हैं, अतएव सारी पत्नियां किसी भौतिक कल्मष रहित दिव्य पद पर आसीन हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के अंतर्गत भगवान कृष्ण का द्वारका में प्रवेश नामक 11वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो इस अध्याय का लास्ट श्लोक भगवान कंक्लूड कर रहे हैं कि भगवान का संबंध भगवान के साथ किन किन प्रकारों का होता है। यहाँ प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि भगवान के साथ भगवान के भक्तों का पांच रस में संबंध होता और इन पांच रसों में जो सबसे स्टार्टिंग आप बोल सकते हैं निम्न निम्न भी बोला जा सकता है, जिसको दास्य रस बोलते हैं। दास्य से भी निम्न जो है वो है शांत रस। शांत रस में कोई एक्टिविटी नहीं होती, मतलब आदान प्रदान नहीं होता है, केवल देख करके ही भक्त आनंदमय स्थिति में रहता है।
भगवान को देख करके, भगवान की लीलाओं को देख करके भक्त आनंदमय रहता है, क्योंकि शांत रस को बोलते हैं, शांत रस वो एक मध्य का स्टेज है, निराकारवादी और साकार के बीच का स्टेज है। तो उसके बाद आता है दास्य रस। दास्य रस में भक्त और भगवान का संबंध, तो दास्य रस में भक्त को भगवान की महिमा के विषय में पता होता है, भगवान के विषय में भक्त को पता होता है कुछ हद तक। लेकिन जब ऊपर के रसों में इंटरेंस होता है भक्त का, जब भक्त सख्य भाव में वात्सल्य और माधुर्य रस में प्रवेश करता है, तब भगवान अपनी योग माया शक्ति द्वारा उसके ऊपर एक आध्यात्मिक ज्ञान डालते हैं, जिससे वो भक्त भगवान की महिमा को, भगवान के ऐश्वर्यपूर्ण महिमा को न जाने। भगवान के विषय में क्या नहीं जानता है कि भगवान भगवान है, ये नहीं जानता है। तो यहां पर जो विषय लिया गया है कि भगवान की जो वाइफ है, जो रानिया है 16108, वो बिल्कुल भगवान को, मतलब रूपा जी लिख रहे हैं कि वो उनकी ग्लोरीज को, उनकी महिमा को नहीं जानते। और ये कैसा लगता है, उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार से एथिस्ट, जिस प्रकार से नास्तिक व्यक्ति अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितम्, ये भगवत गीता का श्लोक जहां भगवान बोलते हैं मुझको कौन नहीं जानता है। तो जो व्यक्ति भगवान को मनुष्य मानता है, मनुष्य रूप, बोलते हैं कि मनुष्य रूप में कृष्ण जो है मनुष्य है, वो व्यक्ति भगवान को भगवान नहीं जानता है, भगवान की महिमा, भगवान के गुणों को नहीं जानता है। मम भूत महेश्वरम, भगवान सारे जीवों के स्वामी है, मास्टर है, इस भाव को नहीं जानता है। तो ये हुए नास्तिक निराकारवादी, नास्तिक निराकारवादी असुर, ये सारे लोग इस प्रकार के। लेकिन यहां पर जो भक्ति, शुद्ध भक्ति में भक्त हैं, वे भी भगवान की महिमा को, भगवान भगवान की योग माया के द्वारा नहीं जानते। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये लोग जो है अपने कर्मों के कारण, जिस प्रकार से एक नास्तिक व्यक्ति, आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति भगवान को नहीं जानता है, नहीं। जिस प्रकार से यशोदा मैया, जिस प्रकार से अर्जुन, भगवत गीता जब बोला गया तो उसके पहले अर्जुन को नहीं पता था, ऐसा प्रतीत होता है। अर्जुन को पहले से पता है भगवान के विषय में, लेकिन भगवान ने उसको कवर किया, उसके ज्ञान को, योग माया के द्वारा। योग माया समावृत, और जिसके कारण श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता का अभ्युदय हुआ। तो यहां पर जो भगवान की पत्नियों के विषय में बोला गया है कि वे एक साधारण रूप से आचरण कर रही हैं, शुद्ध दिव्य प्रेम के साथ, वो किसी भौतिक कल्मश, किसी भौतिक कंटामिनेशन के कारण, भौतिक कल्मश के कारण भगवान को नहीं जान रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ऐसे हम लोग भी भगवान को अच्छे से नहीं जान रहे, पढ़ने के बावजूद नहीं जान पा रहे हैं, समझ रहे हैं।
हम लोग भगवत गीता में पढ़ते हैं कि भगवान जो है, भगवान का नाम और भगवान दोनों एक हैं, लेकिन हम लोगों को इस बात का क्या नहीं है, इस बात का रियलाइजेशन नहीं है इसका, हमें प्रैक्टिकली इसका इस भाव का पता नहीं चलता है, सत्य का पता नहीं चलता है। तो दोनों केसेस, एक जो नास्तिक व्यक्ति है, आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, और भगवान के शुद्ध भक्त है, जिस प्रकार से यशोदा मैया, जिस प्रकार से देवकी जी, भगवान कृष्ण प्रकट हुए विष्णु के रूप में, चतुर्भुज रूप में, देवकी और वसुदेव ने प्रार्थना किया हाथ जोड़ करके, और सारी प्रार्थना करने के बाद फिर से भगवान क्या करते हैं, योग माया के द्वारा सब कुछ उनके ज्ञान को कवर कर देते हैं, और वे सोचते हैं कि ये तो मेरा बालक है। पहले वो प्रार्थना करती है कि आप यशोदा देवकी भगवान से प्रार्थना करती हैं कि आप इस रूप में आप कुछ ऐसा करिए, अपने आप को यहां से दूर ले जाइए और इस रूप में ले जाइए कि कंस को पता ही नहीं चले। यही हुआ एक्चुअली, भगवान ने बिल्कुल फॉलो करना शुरू किया यशोदा देवकी देवकी माता के बातों को। भगवान ने क्या किया, भगवान चाहते तो सबको बता सकते थे, भगवान ने जितने भी वहां पे सैनिक थे कारागार के, सबको मूर्छित कर दिया, किसी को कोई खबर नहीं हुआ। भगवान ने अपने आप को मथुरा से गोकुल भेज दिया। तो क्या देवकी को पता नहीं था कि कृष्ण जो है वो भगवान है, सर्वशक्तिमान है, कंस उनके सामने कुछ भी नहीं है? क्या कृष्ण को पता नहीं है कि भगवान उनके सारथी हैं, और भगवान को सारथी का काम दे दिया? क्या यशोदा मैया को पता नहीं है कि कृष्ण भगवान है और उनको कभी बांधती है, कभी उनके पीछे भागती है, उनको मारने के लिए, दंड देने के लिए, दामोदर लीला में बांधती है रस्सी से? भगवान डरते हैं, रोते हैं, तो ये क्या है? क्या इन सारे भक्तों को पता नहीं कि भगवान कौन है? नहीं, इनका पोजीशन तो जानने वालों से ऊपर है, क्योंकि भगवान को ज्यादा आनंद कब आता है? भगवान को ज्यादा आनंद आता है जब कोई भगवान के ऊपर हो जाता है, या जब कोई भगवान के ऊपर शासन करता है, भगवान को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि व्यक्ति उसको कंट्रोल करे, हमसे ऊपर हमको घुमाए, या हम जैसा चाहते हैं वैसा हो, न कि कोई जैसा चाहता है वैसा हम करें। भौतिक संसार में ऐसी प्रवृत्ति है, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे पर हमें कोई कंट्रोल करे। लेकिन भगवान को देखिए, भगवान अपने शुद्ध भक्तों के द्वारा कंट्रोल किए जाने में बहुत आनंदित होते हैं। तो भगवान ऐसा क्यों करते हैं कि वे उनको अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा उनके ज्ञान को कवर कर देते हैं? तो यहां लिखा हुआ है कि भगवान वो संबंध उस भाव में जो आदान प्रदान है, उसको, उसके रस को लेना चाहते हैं, उस आनंद को लेना चाहते हैं। भगवान भी अपने शुद्ध भक्तों, किसी शुद्ध भक्त के साथ पुत्र के रूप में व्यवहार करना चाहते हैं, किसी भक्त के साथ पति के रूप में व्यवहार करना चाहते हैं, किसी शुद्ध भक्त के साथ उसके मित्र के रूप में रहना चाहते हैं। अगर उस व्यक्ति, उस भक्त को पता चल जाएगा कि ये भगवान है, ये आदि पुरुष है,
तब वो लव अफेक्शन समाप्त हो जाएगा, तब तो एक ही भाव रह जाएगा, ऐसे दास्य भाव में रह जाएगा, ऐश्वर्य भाव में पूजा होगा, मतलब तब हर तरफ केवल वैकुंठ भाव ही नजर आएगा। वैकुंठ में क्या होता है, वैकुंठ का अर्थ आप समझ सकते हैं, जिस प्रकार से जज होता है ऑफिस में, मतलब कोर्ट में, कोर्ट में जब जज होता है तो वो वैकुंठ का भाव है, वही जज जब अपने घर पे जाता है और नॉर्मल कपड़े पहनता है, अब वो कोर्ट में जिस प्रकार से यूनिफॉर्म पहनता है वैसा नहीं पहनता है, नॉर्मल ड्रेस, जिस प्रकार का मन करे वो ड्रेस, और अपने घर के लोगों के साथ उसका व्यवहार, बच्चों के साथ व्यवहार, अगर उसके ग्रैंड चिल्ड्रन है उसके साथ वो कैसे घोड़ा बन जाता है, खेलता है, हंसता है, उसी घर में अगर कोई ऑफिशियल व्यक्ति भी जाता है तो वो उनको क्या देखता है, अरे यहाँ तो वो कोट वोट पहन करके नहीं है। तो वो जो व्यवहार है वो गोलोक वृंदावन का व्यवहार, या ऐसा कह लें गोलोक वृंदावन का, और साथ ही साथ वो भगवान के जो साक्ष्य दा साक्ष्य वात्सल्य और माधुर्य रस का जो भाव है वैसा भाव दिखता है वहां। तो भगवान अपने भक्तों के साथ इस प्रकार के रस का आदान प्रदान कर पाए, इसीलिए भगवान अपने शुद्ध भक्तों के मस्तिष्क से, मेमोरी से, उनकी चेतना से इस प्रकार के ज्ञान को कवर कर देते हैं। तो यह प्रभाव भगवान की बहिरंगा शक्ति का नहीं है, या इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ही समझिएगा आप लोग, संसार में सारे लोग मूर्ख, सारे लोग अज्ञानी हैं, भगवान को नहीं जानते हैं, बहिरंगा शक्ति के कारण, दुर्गा देवी के कारण, महामाया की शक्ति के कारण। महामाया नहीं चाहती है कि मूर्ख लोग भगवान के विषय में जाने, और शुद्ध भक्त जब सख्य दस सख्य वात्सल्य और माधुर्य रस में होते हैं, वात्सल्य और माधुर्य रस में, उनको योग माया की शक्ति के द्वारा उनके ज्ञान को कवर किया जाता है, आवरण डाला जाता है, जिससे वो व्यक्ति, वो भक्त भगवान के भगवत स्वरूप ऐश्वर्य रूप को न जाने, ऐश्वर्य भाव को न जाने। तो ये अंतर है, भक्तों के लिए भगवान, भक्तों के लिए भगवान की योग माया शक्ति काम करती है, और जो भगवान के भक्त नहीं है उनके लिए महामाया शक्ति काम करती है। तो भगवान का आगमन हो चुका है द्वारका नगर में, द्वारका नगर में भी भगवान अपने स्व महल, जो उनके खुद के महल हैं, पर्सनल हाउसेस, पैलेसेस, उसमें अपनी वाइफ्स के साथ जा चुके हैं। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे कल से, जहां की अपसूत गोस्वामी, जो आज का जो जो श्लोक है, सूत गोस्वामी सुना रहे हैं पूरी कहानी, किसको, शौनक आदि ऋषि को सुना रहे हैं। अब जो शौनक ऋषि हैं से फिर से कुछ और प्रश्न करेंगे। अच्छा, याद होगा आपको जब व्यास देव जी की मुलाकात हुई थी नारद मुनि से, और व्यास देव जी नारद मुनि के जाने के बाद मेडिटेशन में लग जाते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, और भगवान कृष्ण को भगवान की दोनों शक्तियों के साथ देखते हैं, योग माया और महामाया, और क्या देखते हैं, महामाया शक्ति अपने मुंह को कवर कर रही है
थोड़ा सा शर्म कर रही है। क्यों? क्योंकि महामाया जो है, उनका जो काम है ना, उनकी जो एक्टिविटी है, भगवान ने दिया है, वो अच्छी एक्टिविटी नहीं है क्या? भगवान को अपने भक्तों से, मतलब जीवों से दूर करने का है, ऐसा काम है उनका। महामाया के द्वारा ही हम भगवान को समझ नहीं पाते हैं, तो ये अच्छा काम नहीं है। लेकिन यह काम जीवों को ठीक ठाक करने के लिए, जीवों के भावनाओं को, जीवों के बिहेवियर को ठीक करने के लिए है। इसको बोलते हैं थैंकलेस जॉब। जैसे टीचर किसी शरारती स्टूडेंट को ठीक करने के लिए पनिशमेंट देता है, उसी प्रकार से महामाया करती है। तो व्यास देव जी दोनों शक्तियों को देखते हैं और फिर उसके बाद भगवान के ध्यान में लग जाते हैं। जब ये हो जाता है, तब उस अध्याय के लास्ट में सूत गोस्वामी से शौनक ऋषि बोलते हैं कि अब जो है आप हमें भगवान के विषय में और बतलाइए। तब शौनक सूत गोस्वामी जो है भगवान कृष्ण के विषय से पहले उनको शौनक ऋषि बोलते हैं कि आप परीक्षित महाराज के विषय में बताइए, कुंती के विषय में बताइए। आप भीष्म के विषय में बताइए। अब देखिए, ये तो भगवान नहीं है, और भागवत मीन्स भगवान के विषय में। तब प्रभुपाद जी लोग बोलते हैं भागवत, भगवान का अर्थ होता है हर समय भगवान अपने भक्तों से अलग नहीं होते हैं, भगवान हर समय भक्तों के साथ होते हैं, शुद्ध भक्तों के साथ होते हैं, और शुद्ध भक्त हर समय भगवान के साथ होते हैं। तो ये जितनी लीलाओं का, व्यक्तियों का के विषय में सूत गोस्वामी ने वर्णन किया, शौनक ऋषि ने पूछा, कुंती हो, भीष्म हो, परीक्षित महाराज हो, ये सारे लोगों की जो घटनाएं इतिहास के पन्नों में, वहां पर हर समय भगवान उनके साथ है। इसीलिए वो आध्यात्मिक है, उसी स्तर पर है जैसे हम भगवान के विषय में सुनते हैं। जब हम भगवान के शुद्ध भक्त के विषय में सुनते हैं, वैसा ही हमें लाभ होता है। वो आध्यात्मिक विषय वस्तु है श्रवण के लिए। और आध्यात्मिक विषय वस्तु क्यों सुने? क्योंकि उसके सुनने से हमारा हृदय शुद्ध होता है, शुद्ध चित्त का उदय होता है। हमने पढ़ा था, श्रवणादि शुद्ध चित्त करय उदय। जब हम श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं भगवत तत्व का, भगवत कथा का, भगवान के शुद्ध भक्तों का, भगवान के नाम का, यश का, रूप का, तो हमारा शुद्ध चित्त उदय होता है। तो कल हम लोग, कल से जो देखेंगे वो फिर से, क्योंकि ये बीच में एंट्रेंस हो गया था। सुनना क्या चाहा था उन्होंने? परीक्षित, पहले तो भगवान के विषय में, फिर परीक्षित महाराज। तो अब जो है परीक्षित महाराज के विषय, परीक्षित महाराज के जन्म के विषय में चर्चा होगा। हमने सुना पीछे की अश्वत्थामा ने क्या किया था, ब्रह्मशीर अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, इसको ब्रह्मशीर बोलते हैं, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीर, वो उसने अर्जुन के ऊपर चलाया था। लेकिन अर्जुन ने उस ब्रह्मास्त्र को भगवान कृष्ण के द्वारा इंस्ट्रक्शन प्राप्त करके उसको अपने ब्रह्मास्त्र से क्या किया, समाप्त कर दिया, बैलेंस कर दिया। एक ब्रह्मास्त्र को दूसरे ब्रह्मास्त्र से ही नलीफाई किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। और प्रभुपाद जी लिखते हैं ब्रह्मास्त्र मतलब जिसकी क्षमता शक्ति आधुनिक समय में जो परमाणु बम करता है उससे कहीं ज्यादा, जो मंत्रों के द्वारा एक्टिवेट होता है। और भगवान ऐसा बोलते हैं कि एक ब्रह्मास्त्र से तुम क्या करो, उसको डीएक्टिवेट करो या बैलेंस करो।
लेकिन क्या होता है कि वो अश्वत्थामा उसी ब्रह्मास्त्र को डायरेक्शन चेंज कर देता है उत्तरा की गर्भ की तरफ, उत्तरा के ऊपर। सोचता है कि हम अर्जुन का वध नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, है अर्जुन के जो पांडवों के वंश का जो सबसे लास्ट वंशज होगा, मतलब जिसका जन्म नहीं हुआ है अभी, उसको हम गर्भ में समाप्त कर देते हैं। तो इसके तहत वो क्या करता है, ब्रह्मास्त्र चलाता है। तो हम लोग कल से परीक्षित महाराज के जन्म के विषय में, अभिमन्यु सुतम सूता भागवतोत्तम, भागवतों में उत्तम महाभागवत है परीक्षित, क्यों, जन्म से पहले ही उन्होंने भगवान के दर्शन किए, माता के गर्भ में ही भगवान के दर्शन किए, इसीलिए नाम परीक्षित है। जिनको उन्होंने गर्भ में देखा, उनको जन्म लेने के बाद ढूंढ रहे थे वो, हर एक व्यक्ति को एनालाइज करते थे, ये वो व्यक्ति तो नहीं जिसको मैंने देखा गर्भ में, और फिर एनालाइज करके बोलते नहीं नहीं ये नहीं है। ओके, तो जिस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी का जन्म हमने सुना कितना अलौकिक है, जन्म हुआ निकल गए, 17 साल तक माता के गर्भ में है, कौन, सुखदेव गोस्वामी। उसी प्रकार से जो उनके शिष्य हैं परीक्षित महाराज का जन्म भी विशेष है, और इस सब के सुनने से हमारा हृदय शुद्ध होता है, हमारी चेतना वापस आती है, कृष्ण चेतना हमारी लौटती है, कृष्ण अभी माया चेतना है, कृष्ण चेतना। ओके, सो आप लोगों ने जप कर लिया, सो आज का सेशन हम यही एंड करेंगे, और आशा है कि आप लोग इस नवरात्रि में भगवान के नाम का जप, जपों की संख्या बढ़ा दिए होंगे, बढ़ा दीजिए, रेदर देन उसके बदले कुछ और दुर्गा जी को प्रसन्न करने जाएंगे तो कोई खास फायदा नहीं होगा, है ना। दुर्गा ज्यादा प्रसन्न होगी वैष्णवी अगर हम विष्णु का नाम लेते हैं, शिव जी ज्यादा प्रसन्न होंगे अगर हम कृष्ण और राम का नाम लेते हैं, हनुमान जी ज्यादा प्रसन्न होते हैं जब हम राम का नाम लेते हैं रेदर देन हनुमान का नाम लेते हैं। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा श्रवण करें, रीडिंग करें, नाम जप करें, सब कुछ भी करें, है ना, कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी, स्पिरिचुअल एक्टिविटी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नाम जप श्रवण कीर्तन सबसे इम्पोर्टेंट। हो सकता है कि हम ज्यादा समय दे दें कर्म कांड, कर्म कांड का अर्थ होता है, रिचुअल का अर्थ होता है बिना समझे बुझे कोई इस प्रकार का कार्य कर, जैसे लोगों को ज्यादा पसंद आता है, कुछ लोग ना ज्यादा डेकोरेशन करते हैं, ज्यादा उस तरीके की चीजों में लगे रहते हैं, लेकिन अगर वो व्यक्ति पढ़ लिख करके वैसा कर रहा है तो कोई अंतर नहीं, भगवत गीता भी पढ़ता है और तब करता है तो उसको समझ में आता है, तो उसकी भावनाएं अलग हो जाती हैं, वो फीलिंग अलग हो जाता है। और नहीं तो लोग सेंटिमेंट में, आप देखते हैं ना वृंदावन में, हम लोग आप बराबर देखे होंगे, ये पंजाब हरियाणा दिल्ली से लोग ना लड्डू गोपाल जी को लेकर के आते हैं मंदिर में, मतलब उनको दर्शन करवाने के लिए लेके आए हैं ऐसे हाथ में, उनको जैसे लगे कि इनको यहाँ, वो तो उधर के ही हैं, उनको लेकर के क्या आना है, सेंटिमेंटल लोग, कुछ पता नहीं है, उस भक्ति से कुछ मिलता भी नहीं है, क्यों, क्योंकि भगवत प्रेम उसका दिखता नहीं है, आचरण में नहीं दिखता है। क्या है वो आचरण, भगवत प्रेम का अर्थ है हम जिससे प्रेम करते हैं हम उसका नाम बार बार लेते हैं, हम उसके विषय में ज्यादा सुनना और बोलना पसंद करते हैं, ये प्रेम की पहचान है।
हम उसके विषय में सुनना, बोलना, नाम लेना पसंद करते हैं। ये सबसे पहला और बड़ा ही बाह्य अभिव्यक्ति है। उदाहरण देखिए शास्त्रों में, जैसे रुक्मिणी जी कितना सुनना चाहती थी भगवान के विषय में, देखा नहीं, सुन सुन करके भक्त बन गए। परीक्षित महाराज बोल करके चले गए वैकुंठ। सुखदेव गोस्वामी सुन करके चले गए। सो इस प्रकार से भगवत भक्ति आचार्यों के डायरेक्शन में करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तब आचरण में हृदय का परिवर्तन, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, जैसे हम लोग देखते हैं कि YouTube पे बहुत सारे आजकल ना खूब भजन गा रहे हैं, हमारे मंदिर में भी आते रहते हैं, ये बैंड वो बैंड वाले लोग, तो प्रोफेशनल सिंगिंग या प्रोफेशनल भागवत, प्रोफेशनल प्रोफेशन का अर्थ होता है कि भगवत भक्ति के अंग का प्रयोग जीवन यापन के लिए करना, जीवन यापन के लिए करना, और न कि दूसरों को, दूसरे के जीवन को परिवर्तित करना। जैसे बहुत सारे भजन गाने वाले लोग हैं, जैसे आप ले लीजिए अनूप जलोटा, नाम क्या है, भजन सम्राट। अरे वो एक तरफ उसको पैसे देते हैं तो आके गाता है भजन, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, कितना चला रिकॉर्ड। दूसरी तरफ एक्चुअली बहुत पहले वो हमारे बेंगलोर टेम्पल में आया था, उधर भजन गाया, नेक्स्ट डे इवनिंग वो किसी होटल में गजल गा रहा है, ये शराब और समथिंग लाइक दैट। पैसे देंगे जो वो गाएगा, तो उसको शुद्ध भक्त नहीं बोलते हैं। इसका मतलब उसके उस सिंगिंग का प्रभाव आपके हृदय पे नहीं पड़ेगा, हृदय के शुद्धता पर नहीं पड़ेगा। आपको अच्छा लग सकता है, सुनने में अच्छा लग सकता है, लेकिन हृदय परिवर्तन नहीं होगा। प्रभुपाद जी का जो हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन है, वो उतना राग बेस या सुर ताल में ऐसा नहीं लगता है ना, लेकिन उसके अंदर स्पिरिचुअल आध्यात्मिक शक्ति है। तो जो दूसरे प्रोफेशनल सिंगर्स हैं, भजन गायक हैं, या प्रोफेशनल भागवत करता है जो म्यूजिक के साथ बैठ बैठ करके खूब अच्छे से गाते बोलते हैं, तरीका में प्रॉब्लम नहीं है, वो जो दे रहे हैं ना उसमें आध्यात्मिकता नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति का जो खुद का जीवन है वो वैसा नहीं है, आचरण में वो खुद नहीं लाता है उसको, वो जो बोल रहा है उसमें उसका खुद का विश्वास नहीं है, इसीलिए उसमें आध्यात्मिक शक्ति नहीं, आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, तो वो शास्त्र के अनुसार श्रमे वही केवल। प्रभुपाद जी के कीर्तन को सुनकर के मन स्थिर हो जाता है। और आप प्रोफेशनल्स का कीर्तन सुने, आप ज्यादा नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि उसमें आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति के साथ टच में होना। आध्यात्मिक व्यक्ति कोई भी हो सकता है, कोई भी वह जो कि आचरण में लाता है उस चीज को, जो वह आपको बोल रहा है वो खुद करता है। तो जितने ये भागवत सप्ताह देखिए, इसीलिए भागवतम प्रवचन करता, एक्चुअली में तो भक्ति होना चाहिए, भगवान के विषय में कौन बोलेगा, जो भक्त है उसी को पता है भगवान है। लेकिन अभी जो भागवत कथा वाले, ये कथाकार हैं, जैसे कोई नाट्यकार है, कोई नाटक बोलता है, स्पीकर्स हैं, स्पीकर्स तो वो बोलने वाले लोग हैं, जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं अच्छे बोलने वाले लोग, उसी प्रकार से ये नैरेट अच्छा करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो भक्त हैं, वो अच्छा वही व्यक्ति भक्त हो सकता है अगर वो उसको आचरण में लाए, अगर वो उसको आचरण में लाए।
तो कई सारे भागवत कथाकार तो बोलते भी हैं कि हम साधु वाधु नहीं, हम कथा करते हैं, लेकिन हमें उस चीज को समझना चाहिए। अगर हम जो सेंटली पर्सन नहीं है उनसे सुनते हैं तो उनके फीलिंग्स हमारे अंदर आते हैं। ये प्रॉब्लम यहाँ है, आप कान से जो लेते हैं ना, मुंह से जो लेते हैं अंदर, जैसे भोजन, हमने भक्त के हाथ से प्रसाद लिया। हम लोग बहुत जगह मना करते हैं भोजन से, हम लोग कहीं जाते हैं तो लोग बोलते हैं खा लीजिए खा लीजिए, है ना। उसके भोजन में फर्क है, उसने जो बनाया उसकी चेतना हमारे अंदर प्रवेश करेगी। वैसे ही जब हम सुनते हैं अभक्तों से, भले ही भगवान के विषय में सुंदर भजन हो या सुंदर प्रवचन हो, वो हमारे अंदर प्रवेश करता है। तो इसीलिए हमें इनिशियल स्टेज में सुनना है, थोड़ा सा सुना बस, लेकिन अंदर से फीलिंग, अंदर से ज्ञान होना है कि जो शक्ति शुद्ध भक्त के, प्रभुपाद जी के वचन में, उस शक्ति नहीं है। बाकी सारे जितने लोग हैं वो मिश्र डिवोटी, मीन्स मिक्स डिवोटी हैं, वो मिश्र भक्ति में है, मिश्र भक्त है। तो आचरण बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भागवत करता है ना, बड़े से बड़े गोस्वामी भी, मतलब आजकल के गोस्वामी जिनके नाम में गोस्वामी लगा रहता है, कल लिविंग स्टैंडर्ड देखिए, रहन सहन का तरीका देखिए, क्योंकि उनके पास समय है क्या भगवान के नाम जाप करने को? नहीं। तो इन हमारे हमारे अंदर क्या है, हम सबों के अंदर फीलिंग्स है, उस फीलिंग को जहां तहां नहीं फेंकना चाहिए। ओ ये मुझे बहुत पसंद है, बड़े अच्छा गाते हैं बोलते हैं, ये शक्ति, ये फीलिंग्स भगवान के लिए, भगवान के शुद्ध भक्त के लिए है, आपके पास लिमिटेड है। हम लोग तो भगवान की तरह लिमिटेड नहीं है, हमारे पास अंदर भी चीजें अनलिमिटेड नहीं है, या तो इधर नहीं तो इधर, खत्म हो जाएगा फिर। संसार में लोगों के पास क्या प्रॉब्लम है, हम जो काम यहां कर रहे हैं यही काम भगवान के साथ भी करना है हमें। हम भगवान को जो देने वाली चीज है वो हम किसी और को दे दिए, भगवान को जो देना है वो हम कहीं और किसी मंडेनर, किसी इस मर्त्य लोक के किसी जीव को हम दे देते हैं उस फीलिंग्स को, जबकि ये सारी भावनाएं, सारे जो हमारे अंदर एनर्जी है वो भगवान की सेवा के लिए है, भगवान को देने के लिए। तो परीक्षित महाराज के विषय में, उनके आविर्भाव के विषय में हम लोग कल से श्रवण करना शुरू करेंगे। आध्यात्मिक जीवन में हड़बड़ी किसी बात की नहीं है, हमने पहले भी चर्चा किया। भागवत के सारे श्लोक पढ़ के भगवान के धाम जाएंगे ऐसी कोई बात नहीं है, है ना। भगवान को समझ करके भगवत धाम जाएंगे, भगवान के शुद्ध भक्त की आशीर्वाद से भगवत धाम जाएंगे, समझ रहे हैं। स्वाध्याय से नहीं जाएंगे, आत्मशक्ति से नहीं जाएंगे, भगवान के शुद्ध भक्त की शक्ति से हमारे अंदर शक्ति पैदा हो। तो वो तरीका है श्रवण, नहीं तो परीक्षित महाराज के पास 7 दिन का समय था, अर्जुन के पास 45 मिनट का समय था, 48 मिनट जिसमें कि भगवत गीता सुनो। ओके, सो खटवांग ऋषि भी 45 मिनट में सुने और चले गए बैक टू गॉड, रामचंद्र जी के पूर्वज जिसके विषय में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं भागवत में। ओके, तो इसीलिए आराम से जो सुन रहे हैं सुनिए बस, सब में एक ही शक्ति है, वो प्रथम स्कंद हो या दसम स्कंद में भगवान की लीला हो, वहां तक लेकिन पहुंचना हमारा एम है। समझते समझते, चूंकि हम उसकी चर्चा प्रथम स्कंद में भी करते हैं, इसलिए हम लोग टच कर रहे हैं दसम स्कंद को बार बार। अभी देखिए हम लोग पहले स्कंद में हैं, और अभी हमने भगवान की रानियों के विषय में पढ़ा, अब इसकी चर्चा फुल फ्लेश तो दसम स्कंद में है, लेकिन चर्चा प्रथम स्कंद में भी हो गया। और प्रभुपाद जी के तात्पर्य में तो पहले श्लोक से चर्चा है दसम स्कंद का, इसीलिए प्रभुपाद जी द्वारा जो रचित टीका है वो कहीं भी पढ़ेंगे आपको पूरे भागवत का फायदा होगा, पूरे भागवत का चीज आपको किसी भी स्कंद किसी भी श्लोक में मिलेगा।
सो इसी के साथ आज का जो हमारा सेशन है वो एंड करेंगे, और आई थिंक संडे 4:45 मुश्किल है, हम लोग 6 o'clock ही रखेंगे। ओके, सो यहीं पर एंड करेंगे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, श्री सीताई गौरंग की जय, जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जय जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत जय गुरु शिला प्रभुपाद की जय, जय निताई गौर प्रेम नंदे हरि 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 बोल, बोल, हरे हरि कृष्ण हरि प्रभु हरि की, हरि 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 बोल, बोल, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।